जस हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार के पक्ष को प्रशासन के सामने रखने के लिए गठित की गई 10 सदस्य कमेटी ने एसपी गंगाराम पुनिया से मुलाकात की और पीड़ित परिवार व ग्रामीणों की मांगों को उनके सामने रखा। एसपी से मुलाकात के बाद 10 सदस्य कमेटी ने प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। एसपी से मुलाकात के बाद बाहर आकर 10 सदस्य कमेटी के सदस्यों ने जानकारी दी है। मैं उधर पंचायत थी, पंचायत के बाद कुछ लोग पंचायत के द्वारा चुने हुए थे, यहाँ एसपी साहब से मिले। कुछ परिवार के कुछ पॉइंट थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे। एसपी साहब से बैठ करके पूरी चर्चा हुई, भी जहाँ जहाँ डाउट था उन्होंने बताया इसके बारे में और वो क्लियर है। क्या क्या मांगे रखी? अब कोई मांग नहीं थी हमारी भी, जस को न्याय के लिए कोई कड़ी छूट ना जाए। जो एक्चुअली इसमें संदिग्ध है उसको जरूर उसको बख्शा ना जाए और नजायज आदमी को कोई तंग नहीं। हम संतुष्ट हैं पूरे, अभी जो भी कार्रवाई चल रही है 2 दिन तक, आगे जो भी होगी वो क्लियर कर देंगे। वहीं 10 सदस्य कमेटी द्वारा प्रशासन को 10 दिन की मोहलत दिए जाने के बाद महापंचायत में शामिल हुआ युवाओं का एक दल इस बात से सहमत नहीं हुआ और युवाओं ने एकत्रित होकर NH-44 को जाम करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में युवाओं का जत्था जैसे ही NH-44 की तरह बढ़ा तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ युवाओं की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने करीब 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। सत्य मामले में आज महापंचायत उसके बाद कमेटी के सदस्य आपसे मिलने आए थे। देखिए, ये हमारे थाना इंद्री में 5 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था IPC की धारा 365 के तहत। उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की थी और दिनांक 9 अप्रैल 2022 को एक आरोपी अंजलि को अरेस्ट किया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद में हमने 3 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया और कल 13 अप्रैल को हमने 2 और आरोपी, जिसमें एक धनवंती और एक स्वर्णदेव को अरेस्ट किया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक इस मामले में टोटल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जो आरोपी है उनकी निशानदेही पे काफ़ी जो रिलायबल और क्रूशियल एविडेंस है वो भी बरामद हो चुके हैं और केस प्रॉपर्टीज है वो हमने FSL में जमा करा दी है। काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें प्राप्त भी हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स अभी भी प्राप्त होने बकाया है, जो हमने FSL अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा रिपोर्ट टॉप प्रायोरिटीज पे दे ताकि इस मामले को जल्दी से कंक्लूड किया जा सके। सर, क्या कारण है कि पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान बना हुआ है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, नाम था, और फिर दोबारा से उन्हीं को गिरफ्तार किया गया कल? दो देखिए, जो कल आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये धारा 201 202 IPC के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पे ये आरोप था कि सुबह इन्होंने जो डेड बॉडी है उठा करके पास वाले जो टिन शेड है उस पर रख दी ताकि ये किसी को पता ना लग सके। इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, जो राजेश का नाम आ रहा है और भी कोई? देखिए, जो भी घरवालों ने कुछ और सस्पेक्ट के नाम बताए थे कि उनको लगता है कि कुछ और व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, तो पंचायत के लोगों को क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज परिजन और साथ में एक कमेटी 10 लोगों के आसपास की वो मेरे से यहाँ पर मिली थी। हमने उनको ये कहा है और आश्वस्त भी किया है कि इस मामले में पुलिस बिल्कुल जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से त्वरित और निष्पक्ष न्याय जाँच है वो सुनिश्चित कर रही है, और यदि उनको किसी प्रकार यदि कोई डाउट हो, संदेह हो, तो बेशक मेरे से या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से मिल सकते हैं, और यदि इनको मामले में कोई और भी जानकारी हो तो वो भी उनको अवेलेबल करा सकते हैं ताकि पुलिस उस एंगल से भी इस मामले को देख सके। लेकिन जो 3 आरोपी अब तक गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की है वो टोटली साइंटिफिक और रिलायबल एविडेंस पर आधारित है, और जैसे FSL रिपोर्ट सारी चीज़ें हमें प्राप्त भी हो जाएगी उसके बाद में ये चीज़ें और पुख्ता भी हो जाएगी। सर, ऐसी कोई वजह मिली है कि उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? देखिए, जो बात सामने आई है हमने उसके आधार पर उनका जो पुराना जो मेडिकल रिकॉर्ड है वगैरह और जो कुछ और चीज़ें भी हमने कलेक्ट करी है, कल अंजलि का पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको जो ठोस वजह जो हमारे सामने आई है वो भी आपको बता दी। सर, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, संतुष्टि नहीं हो रही है परिजनों की, कहने की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस दिन से बच्चा गायब हुआ था उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस के द्वारा अथक परिश्रम करके और बिल्कुल कहते हैं कि सही जांच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। परिजनों के कुछ अपने मन में उनके सवाल थे, वो हमने उनको कहा है कि आपको पूर्णतया संतुष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है।